ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमारे पूर्व जन्म और इस जन्म के विकर्म हुए हैं, अब बाबा की याद से कैसे खत्म होंगे? विकर्म पूर्व जन्म का हो चाहे वर्तमान जन्म का, ड्रेस चेंज की, बाकी तो कुछ नहीं, पिछली ड्रेस में किए हों, उससे पिछली ड्रेस में किए हों, उससे पिछली ड्रेस में किए हों, विकर्म करने वाली तो आत्मा है ना। हमें सबसे पहली बात ये अपने आप को समझानी है कि आत्मा ने कोई भी विकर्म किया है। विकर्म किसे कहते हैं ये भी हम समझ लें, देह समझ कर किए गए कर्म, विकर्म कर्म है। हूं मैं आत्मा, परंतु मैं देह समझ करके कर रहा हूं, तो वो गलत है ना। मैं हूं कंपाउंडर, मैं हूं नर्स, और मैं डॉक्टर समझ करके इलाज करूं तो क्या होगा? पेशेंट मर सकता। तो हमारे पूर्व जन्म में हमने क्योंकि आत्मा की बजाय अपने आप को समझ लिया कि मैं शरीर हूं, और शरीर समझ करके मैंने कर्म करना शुरू किया, तो वो विकर्म कहलाता। अब हमें जो बात समझ में आई, आपको इतनी समझ में आई है कि बाबा की याद से कैसे खत्म होंगे, कि बाबा को हम याद करें तो हमारे वो विकर्म कैसे खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। कर्म किए हैं आप आत्मा ने, अब आप आत्मा ने बाबा को याद करना है। बाबा को याद करना माना परम पिता परमात्मा की श्री मत पर चलना। जो डायरेक्शंस बाबा ने दिए हैं अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए, वो हम अप्लाई करें। जिन बातों को बाबा ने मना किया है, इग्नोर करने के लिए कहा है, उसे हम इग्नोर कर दें। तो हमें समझ में आ रहा है कि जब हम बाबा की श्री मत पर कर्म करेंगे, वो गलत नहीं होगा, उसकी सजा नहीं खानी पड़ेगी। अपने आप को सेव किया और हमें सजा नहीं खानी पड़ेगी, हम किसी को भी सजा। और विस्तार से समझना हो या आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगभग 2000 से अधिक वीडियोस भेजे गए हैं, जो आप सभी भाई बहनों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हैं, और आपके प्रश्नों के उत्तर भी वहां मिल जाएंगे। और इन केस आपका प्रश्न ऐसा हो जिसके उत्तर वहां अवेलेबल ना हो, तो आप 9213106986 पर व्हाट्सएप करें, या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर संपर्क करें। ओम शांति।